आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बच वारस, जिसे ओग द्वास भी कहा जाता है, क्यों मनाई जाती है वे इसकी कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण व गाय माता की कृपा से संतान पर आने वाला संकट टल जाता है, वे संतान के जीवन में नई खुशहाली आती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच वारस के रूप में मनाया जाता है। इसे बच वारस या ओग द्वास भी कहा जाता है। इस दिन गाय व उसके बछड़े की पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली, उनके जीवन की रक्षा व हर तरह की बुरी नज़र, भूत प्रेत आदि बाधा से बचे रहें, इसलिए रखती हैं। बच वारस क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे हमारे शास्त्रों में एक कथा है, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण का गायों के साथ अत्यधिक प्रेम था। जब भगवान काफ़ी छोटे थे तो उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि वह गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाएंगे, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि लल्ला, तू अभी बहुत छोटा है। माँ की ममता और उस ममता के पीछे छुपी चिंता ने उन्हें जाने नहीं दिया। नन्हे कृष्ण भी माँ की बात को मान गए, परंतु फिर भी वे ज़्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाए और एक दिन उन्होंने माँ यशोदा के सामने जिद कर ली कि आज तो वे गायों को चराने के लिए लेकर ही जाएंगे। माँ को भी उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा। कहते हैं जिस दिन भगवान पहली बार गायों को चराने के लिए लेकर गए थे, वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी का दिन था। जब वह गायों को लेकर जाने लगे तो माँ ने उनके खाने के लिए बहुत से भोजन पदार्थ दिए। गायों के लिए अंकुरित किया हुआ मोठ, चना, बाजरा आदि दिया। माँ यशोदा ने अपने लाडले को भेज तो दिया, परंतु वह सारा दिन चिंता में रही। और भगवान कृष्ण केवल माँ के ही दुलारे नहीं थे, वे प्रत्येक गोकुलवासी के प्यारे थे। उनके जाने की चिंता में प्रत्येक गोकुलवासी और प्रत्येक गोपी व्याकुल थी। जब तक भगवान घर वापस नहीं लौटे तब तक किसी ने भी भोजन नहीं किया। संध्या को जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल की टोली के साथ गायें चराकर वापस आए तो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल गए। माँ ने अपने दुलारे को गोद में लेकर लाड किया और अपने पुत्र का गायों और बछड़ों के प्रति प्रेम देखकर गायों और बछड़ों की पूजा की, उन्हें खाने को दिया। फिर माँ यशोदा और सभी गोकुलवासियों ने उस दिन पहले का बना हुआ भोजन ही खाया। तब से बच वारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे गाय का दूध या गाय के दूध से बने किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करती और ना ही गेहूं या चावल से बना भोजन खाती हैं। इस दिन वे केवल मोठ, बाजरा, चना, बेसन व इनसे बने पदार्थों को ही भोजन के रूप में लेती हैं
और वह भी पहले से बनाकर रखा हुआ ठंडा भोजन। इस व्रत में निराहार नहीं रहा जाता। गाय व बछड़े की पूजा के बाद आपने जो भी मोट बाजरा बेसन से बने भोजन पदार्थ बनाए हैं उनका सेवन दिन में जब आपकी इच्छा हो जितनी बार इच्छा हो कर सकते हैं। इस दिन कुंवारे लड़के की कमीज पर स्वास्तिक बनाकर उसे पहनाया जाता है। कुएं और तालाब की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पुत्र के जीवन की रक्षा होती है और वह किसी भी प्रकार की बुरी नज़र और भूत प्रेत आदि बाधा से बचा रहता है। आइए अब सुनते हैं बछवारस की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और पोते थे। साहूकार ने गांव में जल की व्यवस्था के लिए एक तालाब बनवाया। तालाब बनकर तैयार हो गया लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार निराश हुआ और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप यज्ञ करवाएं और अपने पोते की बलि दें तो पानी आएगा। साहूकार ने ब्राह्मणों के कहने पर वैसा ही किया। उसने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और फिर यज्ञ करवाकर अपने पोते की बलि दे दी। ऐसा करते ही पानी बरसने लगा और तालाब जल से भर गया। अगले दिन बछवारस आई और हर कोई तालाब की पूजा करने चला। साहूकार और साहूकारनी भी दुखी मन से पूजा करने चले और पूजा पर जाते समय उन्होंने अपनी दासी को कहा, हम बछवारस की पूजा करके आते हैं, तुम गेहूला बनाकर रखना। उनके कहने का अर्थ था गेहूं का धान पका लेना। साहूकार की गाय के बछड़े का नाम भी गेहूला था। दासी ने सोचा कि वे यह कहकर गए हैं कि इस बछड़े को मार कर पका लेना। दासी ने बछड़े को ही बना कर रख दिया। उधर साहूकार और साहूकारनी ने कुआं पूजन किया। इतने में ही मायके गई हुई बड़ी बहू भी वहां पहुंच गई। बहू को देखकर दोनों परेशान हो गए कि इसे क्या उत्तर देंगे। बहू ने भी आकर तालाब पर बछवारस का पूजन किया। तब जल देवता आपस में विचार करने लगे कि साहूकार अपने सत पर टिका रहा और इसने धर्म की रक्षा के लिए अपने पोते तक की बलि दे दी। अब हमें इसकी और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तभी बहू क्या देखती है कि तालाब में से मिट्टी कीचड़ से लथपथ उसका पुत्र बाहर आया और माँ माँ कहकर पुकारने लगा। अपने बच्चे को देखकर बहू हैरान थी। कभी वह सास और कभी ससुर की तरफ देखने लगी। तब सास ने उसे सारी बात बताई। तब वह सब बछवारस को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी पूजन कर घर की तरफ चल पड़े। घर जाकर जब साहूकार को पता चला कि दासी ने गाय के बछड़े को पका दिया है तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, एक पाप तो उतरा नहीं था, तुमने दूसरा चढ़ा दिया। तब साहूकार ने उस हांडी को जिसमें बछड़े को बनाया हुआ था जमीन में गाड़ दी और सोचने लगा कि गाय को किस प्रकार समझाएगा। गाय जब शाम को वापिस आई तो जहाँ पर हांडी गाड़ी थी उस स्थान को अपने सींग से खोदने लगी। गाय का सींग लगते ही बछड़ा जमीन से बाहर निकल आया। बछवारस के दिन ही साहूकार को उसका पोता वापस मिला और गाय को उसका बछड़ा
तभी से इस दिन सभी गाय व उसके बछड़े की पूजा करने लगे। साहूकार ने सारी नगरी में ये घोषणा करवा दी कि बछवारस के दिन हर माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्रत रखेगी, गाय और बछड़े की पूजा करेगी। हे बछवारस माता, जैसा संकट टालकर, कष्ट काटकर आपने साहूकार को सुख दिया, वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सबके बच्चों की रक्षा करना, सुख और खुशहाली देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।